नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्रपराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च अष्टामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् अनतोऽस्मि श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसंततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ओंकारस्यात् शब्दस्य दोवेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है।
मुक्त हो जाता है और नित्य सुख शांति और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु के ज्ञान का साधन क्या है, ब्रह्म के ज्ञान का साधन क्या है? गुरु और वेद। गुरु और वेद से ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो लह न आत्म ज्ञान। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, ईश्वर से गुरु में अधिक भक्ति धारण करे जो बुद्धिमान हो, समझदार हो। क्योंकि बिना गुरु भक्ति वेद ज्ञान नहीं होता है। यदि अपने आप वेद पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा। वेद उदधि गुरुबिन लखे लागे लौन समान, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत ते अधिकार है। जैसे समुद्र का पानी अपने आप पी आ जाए तो खारा है नमकीन है, उससे प्यास न बुझेगी उल्टा मृत्यु हो जाएगी। और वही जल बादलों के द्वारा पिया जाए, वही खारा जल बादल लाते हैं मीठा करके देते हैं, तो अमृत से अधिकार मरता हुआ प्राणी भी जी जाए। ऐसे ही जो वेद है वो समुद्र के समान है। यदि अपने आप उसको पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, खारा लगेगा। जीवन भर पढ़े तो भी समझ न पाएगा। और वही वेद यदि गुरु के मुख के द्वारा पढ़े, गुरुमुख से पढ़ा हुआ वेद अमृत के समान लगता है, उससे जन्म मृत्यु दूर हो जाती है। अनंत जन्मों के सुख की प्यास मिट जाती है। ऐसी गुरु की महिमा है। और जो ईश्वर है वो प्रत्यक्ष नहीं है और उसकी भक्ति भी प्रत्यक्ष फल देने वाली नहीं है, अदृष्ट फल देने वाली है। और गुरु प्रत्यक्ष है, उसकी भक्ति और भक्ति का फल भी प्रत्यक्ष है। तो गुरु भक्ति से प्रत्यक्ष ही फल प्राप्त होता है और गुरु भी प्रत्यक्ष होता है। और ईश्वर तो जब अवतार लेता है तभी प्रत्यक्ष होता है और फल देता है। यूं तो ईश्वर वेद शास्त्र से सुनने करके ही उसकी भक्ति की जाती कि ईश्वर परम दयालु कृपालु है, भक्तों पर दया करता है, तो शास्त्र से सुनकर ये भक्ति की जाती है। ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, अदृष्ट है, गुरु दृष्ट है। इसलिए गुरु और गुरु की भक्ति का फल नगद सौदा है। इसीलिए गुरु की भक्ति, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है, राम है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। तो गुरु भक्ति बताने के लिए वो भी गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं।
प्रज्ञा की सहज श्वास श्रुतिचारी सुप्रभु पढ़े ये अचरज भारी। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु के घर पढ़ने के लिए जाते हैं भगवान राम, नहीं तो राजा हैं, घर में भी गुरु को बुला सकते, घर में बुला के पढ़ सकते हैं। कहते गुरु भक्ति से प्रकट नहीं होती घर में बुलाने से, गुरु के घर जाने से प्रणाम करके और श्रद्धा भक्ति से पढ़ने से कहा श्रद्धा भक्ति प्रकट होती, उसका फल प्रत्यक्ष होता है, शीघ्र ही विद्या आती। ऐसी श्रद्धा भक्ति से जो वेद पढ़ा जाता है गुरु से, शीघ्र भक्ति शीघ्र ज्ञान हो जाता है, क्योंकि भक्ति पूर्वक पढ़ा जा रहा है और उसका फल भक्ति का जो वेद का ज्ञान है वो प्राप्त होता है और वो विद्या परम सुखदायिनी बनती है, सब दुख दूर करने वाली होती, नम्रता आती है। विद्या पढ़ करके विद्वान नम्र विनम्र हो जाता है, जैसे वृक्ष जब फलते हैं तब झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, ऊपर को नहीं चलते। जब फल लगता है तो ऊपर के चलने वाली डाली जो है फलों के भार से नीचे झुक जाते हैं। लोगों के लिए कहते हैं कि तुम आराम से तोड़ लो, मेरे फलों को लो और खाओ, अपनी भूख मिटाओ। ऐसे ही जिनमें विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, वो देहाभिमान छोड़ देते हैं। उनको ये ऊंचे पने का मैं बहुत ऊंचा हूँ, बड़ा अभिमानी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी ध्यानी हूँ, पंडित हूँ, ये सब अभिमान चला जाता है, नम्रता आ जाती है, देहाभिमान खत्म हो जाता है। तो गुरु के यहाँ जाने से नम्रता का पता लगता है, नहीं तो हम राजा के लड़के हैं गुरु को यही बुला लेंगे। आजकल बड़े लोग ट्यूशन में मास्टरों को अपने घर बुला लेते हैं, उनमें गुरु भाव होता नहीं, श्रद्धा भक्ति नहीं होती। तो विद्या का फल जो सुख है, नम्रता है, वो गुरु भक्ति से पढ़ने से ही मिलती है। रावण भी वेद को पढ़ा है, राम भी वेद को पढ़े, और दोनों ने गुरु से ही पढ़े हैं, क्योंकि बिना गुरु के तो ज्ञान आएगा नहीं, वेद आएगा नहीं। पर दोनों के विद्या अध्ययन में अंतर है। राम तो गुरु के घर जाते हैं, श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करके पढ़ते हैं। रावण के गुरु ब्रह्मा है, और राम के गुरु ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, और रावण तो साक्षात ब्रह्मा से पढ़ता है। जिन दोनों सीता जी को हरण करके रावण ले गया था, उन दिनों की कथा आती है रामायण अध्यात्म रामायण में, हनुमान नाटक में ऐसी कथा आती है कि
कि ब्रह्मा जी को कहा कि तुम पढ़ाने के लिए हमारे घर आया करो, हमको इस समय फुर्सत नहीं मिलती है यहाँ आने की। तो देखिए, गुरु को ये आज्ञा करना कि तुम हमारे घर पढ़ाने आया करो। और शंकर जी का पुजारी था, भक्त था ये रावण। तो शंकर जी के यहाँ गया और शंकर जी के स्तुति प्रार्थना करके कहा, अब मुझको इस समय समय नहीं मिल रहा है, तो अपनी पूजा कराने के वास्ते तुम मेरे ही यहाँ आ जाया करो, मैं वहां ही पूजा कर दिया करूंगा। शंकर जी को ये कहा। और नारद जी को बहुत मानता था रावण। रावण संत, नारद जी संत थे, रावण के यहाँ भी जाया करते थे, राम के यहाँ भी जाते थे, सबके कल्याण का उपदेश देते थे। सरल चित्त होता है संतों का। और गायकों का प्रधान गंधर्व है तुम्बुरु नाम का, एक गंधर्व है वो गंधर्व लोक में रहता है, गंधर्वों का गुरु है, संगीत का गुरु है। उसको कहा, तुम हमारे यहाँ गाना बजाना करने के लिए आया करो, मनोरंजन किया करो। और देव गुरु बृहस्पति हैं, उनके यहाँ गया और कहा बृहस्पति को कि तुम मेरे यहाँ आके वेद पाठ किया करो, वेद सस्वर वेदों का पढ़ना वो पाठ किया करो। ऐसा इन लोगों को आज्ञा किया, हुक्म किया। तो उसके हुक्म के अनुसार ब्रह्मा जी आए पढ़ाने के लिए। तो जब ब्रह्मा जी आए तो वो संतरी द्वार में खड़ा हुआ था। संतरी ने पूछा, कहो भाई कैसे आए? कहा, रावण का हुक्म है कि भाई तुम वेद पढ़ाने हमारे यहीं आया करो। तो वेद पढ़ाने के लिए आया हूं। तो वो संतरी कहता है, अच्छा, और संतरी को मना कर दिया था कि कोई यहां महल के भीतर आने ना पावे। तो संतरी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मण अध्ययनस्य नास्ति समया। हे ब्रह्मण, ये समय अभी अध्ययन का नहीं है। तो क्या करूं? कहा, तुम उनको खबर तो करो कम से कम कि ब्रह्मा जी आए हैं वेद पढ़ाने के लिए। कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, बिल्कुल रोक है और किसी को जाने नहीं दूंगा। बड़ा आतंक था रावण का उस समय। कहा, तो मैं क्या करूं? कहा, कुछ बोलो मत, चुप रहो, तूष्णीं बहिस्थीयताम्, चुप रहो, बाहर खड़े रहो। ऐसा जवाब संतरी देता है गुरु को, इतना अनादर। ब्रह्मण अध्ययनस्य नास्ति समया, तूष्णीं बहिस्थीयताम्, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा बजीर्णा। उधर देवलोक से बृहस्पति आए वेद पाठ करने के लिए।
तो उदात अंदात स्वरित के हिसाब से सस्वर वेदों का पाठ करने लगे, तो जब उदात्त स्वर से वो ऊंचे स्वर से वेद मंत्र बोले तो वो संत्री कहता है बृहस्पति को डांट करके, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा बजीणा, ए जड़ बुद्धि वाले बृहस्पति स्वल्पम जल्प धीरे धीरे पढ़ो, जोर से न पढ़ो नहीं तो अभी डांट पड़ेगी, रावण सुनेगा तो हल्ला मत करो। ये कोई इंद्र की सभा तो है नहीं जो तुम इंद्र के गुरु हो, ये तो रावण के दरबार में हो इस समय। बृहस्पति को डांट दिया, तुम गुरु आया, वो भी उदात तार स्वर से कभी मंद स्वर से कभी मध्यम स्वर से, क्योंकि संगीत भी ऊंचे नीचे स्वर से गाया जाता है, तो जो ऊंची ताने लेने लगाइए ऊंचे स्वर से तो उसको कहता है अलाप ही अलम तुम्बरू, ए तुम्बरू बहुत जोर से नहीं अलाप लो, धीरे धीरे गान करो। उसी समय नारद जी आ गए, नारद जी ने देखा हमारे पिता ब्रह्मा खड़े हैं, बृहस्पति पर डांट पड़ रही है, संतरी डांट रहा है और तुम्बरू के ऊपर डांट पड़ रही है। नारद जी रावण का ये प्रभाव देख करके रावण की स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे, प्रशंसा मंत्र बोलने लगे। तो संतरी नारद को भी डांट के कहता है स्तोत्रम संगर नारद स्तुति कथा, हे नारद ये स्तुति कथा करने को रहने दो, भाटो जैसे चिल्ला रहे हो, जैसे भाट लोग आते हैं ना तो प्रशंसा करते रहते हैं, ये रहने दो प्रशंसा करने। सबको डांट दिया एक संतरी ने, नारद जी ने धीरे से उससे संतरी से पूछा, कहा भाई क्या बात है सबको आज डांट क्यों पड़ रही है? तो कहा स्वस्थ हो न लंकेश्वर, लंकेश्वर स्वस्थ नहीं है इस समय। नारद ने कहा क्या बीमारी है? कहा सीता रल्लक भल भग्न हृदय, सीता के मांग का जो सिंदूर है जो माथे में लगाते हैं सुहागवती स्त्रियां वो भाले के समान है, पहले मोटी लकीर फिर पतली होती है ऐसे चली जाती है। कहा उसी सीता के मांग रूपी भाले से इस समय रावण का हृदय विदीर्ण हो गया इसलिए वो स्वस्थ नहीं है। किसी से बात नहीं करता। तो सज्जनों ये रावण की विद्या है। तो जो गुरु से अश्रद्धा और अनादर करेगा गुरु का तो वो विद्या उसको सुखदायी कैसे होगी? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तक ज्ञानाय
दानाय च रक्षणाय। कहते दुष्ट असुरों के पास में भी विद्या धन शक्ति होती है, और जो साधु पुरुष हैं, धर्मात्मा पुरुष हैं, देव बुद्धि वाले हैं, उनके पास में भी विद्या धन और शक्ति होती है, पर दोनों के उपयोग में भेद है और फल में भी भेद है। जो असुरों के पास में, असुरी संपत्ति वालों के पास में विद्या धन और शक्ति होती है, वो क्या उपयोग करते हैं इस विद्या का और धन का और अपनी शक्ति का? जैसे विद्या का उपयोग विवाद में करते हैं, व्यर्थ का जल्प बात बितंडा बात करते रहते, शास्त्रार्थ करते रहते, हराते रहते हैं लोगों को, विवाद के काम में लेते हैं वो विद्या को, विद्या विवाद आए। और धनम मदाय, उनके पास जो धन आता है दुष्टों के पास में, वो अभिमान बढ़ाता है, अहंकार बढ़ाता है, उस अभिमान के मोह के नशे में वो चूर रहता है, मादकता छा जाती है, उसका ज्ञान ध्यान चला जाता है, धन के मत में मत है, इसी नशे में मैं धनवान हूं, मेरे समान कोई नहीं है संसार में, आढ्यो भी जनवान अस्मि, मैं धनवान हूं और जनवान भी हूं, कौन ने उसके सदृश मया, मेरे समान कौन धनवान और विद्वान है, कोई नहीं, और कौन बलवान है। तो सज्जनों, धन उनके लिए मद का ही कारण बनता है, और शक्ति, धन शक्ति, तन शक्ति, सैन्य शक्ति, जो भी शक्ति है उनके पास में, वो किस काम में आती है? विद्या विवादाय, धनम मदाय, और शक्ति परेशान परिपीडनाय, दूसरों के पीड़ा पहुंचाने में वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से दूसरों को दुख मिले, अपनी शक्ति का उपयोग इसमें करते हैं। और जो साधु पुरुष देव पुरुषों के पास में यही विद्या धन और शक्ति होती है, उनका उपयोग और फल क्या होता है? कहा ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उनकी विद्या अपने ज्ञान के लिए होती है और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे सुख ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। और जो धन होता है साधु पुरुषों के पास में, वो दान है, वो दान के लिए होता है, अभिमान नहीं बढ़ाता वो धन, मद नहीं बढ़ाता है। जितने साधु पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं, उनके पास धन आता है तो वो गरीबों को दान देते रहते हैं। और रक्षण आय, तन की शक्ति, धन की शक्ति, सैन्य की शक्ति, बल की शक्ति जो साधु पुरुषों, धर्मात्मा पुरुषों के पास में होती है, वो दूसरों की रक्षा करने के काम में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। दूसरों की रक्षा होगी जिस प्रकार से, तो सज्जनों यही फर्क होता है विद्या धन। तो राम भी विद्या पढ़ते हैं, रावण भी पढ़ता है, दोनों का फल भी विपरीत देखने में आता है। तो श्रद्धा भक्ति से जो गुरुओं से ज्ञान सीखता है, वो ज्ञान उसको मुक्ति का हेतु बन जाता है, जन्म मरण से तुरंत छुड़ाता है। इसलिए भगवान राम और भगवान कृष्ण भी गुरु के यहाँ सांदीपनी गुरु के यहाँ अवंतिका पेरी पढ़ने गए थे, और नहीं तो ये कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये तो स्वयं ही जगत के गुरु, इसीलिए पढ़ने जाते हैं गुरु भक्ति बताने के लिए, कि भाई सब लोग गुरु से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पढ़ो तो तुमको ज्ञान आएगा, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महा